नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में पुलिस और भाजपा समर्थकों में हिंसक झड़पें हो गई हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी सहित भाजपा समर्थक भी जख्मी हुए हैं। इसमें एक सब इंस्पेक्टर का सर भी फट गया। बताया जाता है कि भाजपा समर्थक विजय रैली निकाल रहे थे, जिसे पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। आपको बता दें कि विगत दिनों ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में विजय रैलियों पर रोक लगाई है, जिसके कारण पुलिस विजय रैली को निकलने से मना कर रही थी और भाजपा समर्थक अब पुलिस में इसी बात को लेकर कहा सुनी होगी और मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। আমি 5 বছর ধরে আছি, বারবার আসবো, ঠিক আছে। দিলীপ রাজ্য সভাপতি হয়ে গেছে, কোন পাঞ্জাবে হবে স্বাভাবিক, কিন্তু এত লোকের সাথে হাত লাগালে দিলীপ রায়ের পক্ষে সম্ভব না। আমরা একটু শুনে এদিকে চলে, কোন দিকে কোন দিকে অন্যরে ধর। ও পাল্টা এরও ছুটছে, পুলিশ কর্মী কিন্তু আহত অবস্থা।
হসপিটালে কর্মী হসপিটালে কর্মী টেনশন নাই হসপিটালে কর্মী যাচ্ছে এই সাথে মমতা ব্যানার্জির পশ্চিমবঙ্গ কে করেছে লাঠিচার্জ পুলিশ পুলিশ পুলিশ